हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। मैं हूँ प्रोफेसर रेनु। आज मैं आपके लिए काफ़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। आपको ये अच्छे से सारे क्वेश्चन को यहाँ पे देखना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो हर बार कम से कम इसमें से दो या तीन क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैंने उसको ये स्क्रीनशॉट लिया है और बहुत सारे एग्ज़ाम में बच्चों को बार बार ये क्वेश्चन दिखाती हूँ। हर एक डिपार्टमेंट में जिसका जीके वाले पार्ट्स ऐड होते हैं, वो इसलिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, सारे क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, और कुछ भी तरीके से कुछ भी हो जाए, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखना है इसमें कि आपके कितने मार्क्स आने के इसमें चांसेस है, ठीक है। इसमें आप फेल हो रहे हैं कि पास हो रहे हैं, मतलब अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका राइट गया मतलब आप पास हो रहे हैं। कुछ 15 से 20 क्वेश्चन हैं। आई होप अगर आपका 10 से भी ऊपर आ रहा है तो समझ जाना कि हाँ, आपका एटलीस्ट यहाँ पे जो आपकी प्रिपरेशन है, सब चीज़ें यहाँ पे अच्छी जा रही है, ठीक है। तो जिन लोगों ने हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये स्मार्ट नौकरी चैनल आपके लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आता है, बेस्ट टू बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सबसे ज़्यादा बेस्ट सारी वैकेंसी, प्राइवेट सेक्टर की वैकेंसी, सारी वैकेंसी की डिटेल्स आपको देता है, किस तरीके से उसको अचीव करना है, क्या करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस से। पहले तो मैं आपको बता दी हूँ मैं किसका क्वेश्चन प्रैक्टिस दिखा रही हूँ, बार्स वाले बच्चों का, जिसका अभी एग्ज़ाम होने वाला है। मैं उन बच्चों को बता रही हूँ कि अच्छे से आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है ये सारे क्वेश्चन को, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि इसमें ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। सारे क्वेश्चन सोच समझ के दिए गए, आपको प्रैक्टिस करना है, ओके। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में ही मैं आपके लिए लेके आया हूँ। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 58 किससे संबंधित है? चार ऑप्शन है, लास्ट में आपको आंसर दिखाऊंगी, पहले आप खुद से सॉल्व करना करो, ठीक है, पहले खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। देखो आप फेल हो रहे हैं कि पास हो रहे हैं, अगर ज़्यादातर क्वेश्चन आपका राइट हो रहा है तब तो आप पास ही हो रहे हो, कम हो रहा है तो आप समझ सकते हो क्या है किन क्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे से सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? क्वेश्चन नंबर 9, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध जीते हैं? मेरी हिंदी यहाँ पे थोड़ी सी वीक है, बट आप लोग हिंदी का डिमांड करते हो तो मुझे हिंदी में ही क्वेश्चन लेके आना पड़ता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला सकता है? तो ये सब क्वेश्चन बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन है। राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की कितनी एज होनी चाहिए तब जाके वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, प्रेसिडेंट की कितनी एज हो सकती है तब वो प्रेसिडेंट बनता है। तो प्राइम मिनिस्टर का 30 होना चाहिए, प्रेसिडेंट का 35 होना चाहिए तब वो प्रेसिडेंट की पद पे आ सकते हैं, और प्राइम मिनिस्टर 30 होगा तो वो प्राइम मिनिस्टर की पद पे आ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, प्रेसिडेंट को कौन शपथ दिलाता है, प्राइम मिनिस्टर को कौन शपथ दिलाता है, ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, इनका टर्म पीरियड कितना होता है, ये सारे बेसिक क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो आज मैंने पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से लेके ही सारे क्वेश्चन मैं आपको लेके आई हूँ, अच्छे से सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो आप क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन नंबर 20। अब मैं आपको इसका आंसर की दिखा देती हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट करके थोड़े थोड़े आंसर दिखाती हूँ, ठीक है। ये नंबर 1 से लेके 9 तक आप अच्छे से देखो। नेक्स्ट 9 से लेके आप अच्छे से देख लीजिए, 10, 11, 13 सबके आंसर यहाँ पे। अब ये आपका पूरा 20 तक, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा आंसर दिखा दिया, थोड़ा सा इसमें अब आपको मुझे कमेंट्स करना कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे राइट हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन, एक नए एडवाइस और सजेशन के साथ में। अगर किसी को किसी चीज़ में और भी प्रैक्टिस सेट चाहिए, आपको कुछ और क्वेश्चन जानना है, सब कुछ करना है, तो आप प्लीज़ हमारे स्मार्ट नौकरी के चैनल पे कमेंट्स कर सकते हो कि आपको जनरल साइंस, रीजनिंग, मैथ्स किस पे ज़्यादा प्रैक्टिस पे क्वेश्चन आपको चाहिए, तो हम वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। थोड़े बहुत आपके पास अगर ज़्यादा टाइम बच जाए तो आप थोड़े बहुत दूसरे एग्ज़ाम के भी पेपर्स को सॉल्व करते रहो। यहाँ पर हमें स्पीड बढ़ानी है कि अपना कैपेसिटी बढ़ाना है, तो आप दूसरे के भी एग्ज़ाम को पेपर्स को सॉल्व करते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।